नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बलरामपुर में आईसीडीएस विभाग को जनपद में ही निर्मित पुष्टाहार प्रदान किए जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से तहसील बलरामपुर के ग्राम पंचायत बिजलीपुर में निर्मित एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित किए जाने वाले THR प्लांट का उद्घाटन माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पट्टूराम एवं मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान माननीय विधायक जी द्वारा हवन पूजा में भाग लेते हुए प्लांट के सकुशल संचालित होने की कामना की गई। माननीय विधायक जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूर्ण करते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक विकास किया जा रहा है। इस कड़ी में जनपद के THR प्लांट का संचालन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। सब लोगों ने मिलकर के आज हम लोगों ने इकाई का उद्घाटन किया है और हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं कि जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो गांव से होकर के निकलता है। आज हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों के द्वारा एक बहुत अच्छी मदद की गई जिसमें हमारी सरकार के द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रविवार सुबह थाना ललिया क्षेत्र के सतरहिया गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से रामशंकर की एक भैंस की हुई मौत। घटना के चलते गांव में मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बिजली विभाग कर्मी को दी, तब सप्लाई बंद हुई। कृष्ण चंद वर्मा प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि विगत माह में एक गाय की भी मौत हो चुकी है। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले अचानक तार टकरा कर जलने लगता है। पत्रकार जी, ऐसा है, यहाँ हमें सूचना मिला कि 6 बजे के आसपास में ये दुर्घटना हुआ है। और सर, जो मुझे मालूम हुआ तो वहाँ से मैंने स्वयं अपना आए उसकी सुबह 6 बजे। उसके बाद में यहाँ आ करके हमने जो है बिजली रहते में ये भी नहीं कि सप्लाई नहीं थी, सप्लाई चल रही थी। हमने दोनों आर्थिंग का तार पकड़ करके अपने हाथ से चेक किया कि किसमें सप्लाई आ रहा है। सर, काफ़ी लोग थे उनके सामने की बात है, लेकिन इसमें कोई करंट वगैरह नहीं थी। लेकिन मैंने शक के आधार पर जो आर्थिंग लगा है उसका आर्थिंग कटवा करके मैंने हटवा दिया है। और उसमें जो है और कोई ना कहीं काट के छुआ है ना कोई ऐसी बात, बरसात की वजह से ये दुर्घटना हुआ है। यहाँ लाइट मैन आते हैं और उनके लापरवाही से ऐसे आए दिन ये घटना होती है। इसके पहले करीबन 8-9 महीना पहले एक गाय भी मर गई थी, एक बच्चे को भी करंट लग गया था ट्रांसफार्मर से, और आज ये भैंसा भी इनका मर गया। ये सब लाइन मैन और तमाम लोग आते हैं, खंभे पे चढ़ के जाते हैं, नाप सनाप तार जोड़ के जाते हैं, इसकी वजह से करंट जमीन में उतर जाती है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं किया? कई मरतबा मीडिया को भी हम सब करंट लगी थी बुलाए थे और लाइन मैन से इनको मालिक्राम को भी बताए थे। लेकिन क्या अभी सुधार नहीं हुआ? अब सुधार होता तो फिर क्यों पस मर जाता आज। क्या नाम है आपका? कृष्ण वर्मा। अच्छा, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं। हाँ, डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बलरामपुर जनपद में नगर क्षेत्र के अंतर्गत मनाए जा रहे गणेश उत्सव में कई तरह की झांकियों का आकर्षण केंद्र बना। टेढ़ी बाजार दीपा रोड सिवाले का गणेश पंडाल, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबसे ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली।
कोरोना काल के बाद पहली भीड़ ऐसी देखने को मिली जिसमें बच्चों द्वारा आरती प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम स्थान प्रतिभा तिवारी और द्वितीय स्थान आराधना और तृतीय स्थान रानी को मिला, जिसमें बच्चों को उपहार स्वरूप दिया गया। पुरस्कार पाकर बच्चों ने काफी उत्साहित महसूस किया। कमेटी संरक्षक दीपक चौहान, अध्यक्ष सूरज चौहान, कोषा अध्यक्ष राजू शुक्ला, व्यवस्थापक के तौर पर राहुल मिश्रा, प्रदीप आदि लोगों ने अच्छी व्यवस्था की, जिसमें भगवान शंकर का नृत्य भी दिखाया गया। नृत्य में भक्तों को बहुत आनंद आया और भक्तों ने शंकर जी के साथ नाचकर अपनी भक्ति दिखाई। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। जनपद बलरामपुर के विकास खंड हराया सत घरवा के ग्राम पंचायत शुगा नगर लहेरी में कोटेदार राशन वितरण में मनमानी कर रहा है। लाभार्थियों ने बताया कि उचित दर विक्रेता 3 माह से लाभार्थियों का अंगूठा लगवा लेता है और राशन वितरण नहीं करता है। आज लाभार्थियों द्वारा गांव के पास इकट्ठा होकर उचित दर विक्रेता के खिलाफ नारेबाजी की गई और कहा कि कोटेदार 3 महीने से अंगूठा लगवा कर राशन खारिज कर लेता है और राशन वितरण नहीं करता है, जबकि सरकार का कहना है कि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को राशन मिलना चाहिए, लेकिन उचित दर विक्रेता द्वारा राशन का बंदरबांट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि उचित दर विक्रेता पर कोई कार्रवाई होती है कि इसी तरह से गरीब लोगों के साथ अन्याय होता रहेगा। क्या सर, हमको 3 महीने राशन नहीं मिल रहा है। कौन है कोटेदार? बिजरानी। क्या बताते हैं? जाते तो अंगूठा लगवा लेते हैं, कहते अगले महीना गला मिलेगा आपको। जब अगला महीना बीता फिर अंगूठा लगवा लेते हैं, कहते राशन खत्म हो गया। ऐसे 3 बार हो गया। कब से राशन नहीं मिला आपको? 3 माह पढ़े लिखे सर नहीं है, हमको ये नहीं मालूम कौन सा मार्च है, लेकिन कोई लोग पढ़े उनको मालूम पड़ता है। 3 महीने राशन हमको नहीं मिला है। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा, बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पैमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे। सीएम ने जिले से जुड़ी 235 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मालन नदी के तट पर लगाए जाने वाले 5,000 वृक्षों के पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया और नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण और कलेक्ट्रेट में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया गया। सीएम द्वारा आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई, साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, अब 5.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। यूपी में अब निवेश आ रहा है और रोजगार का सृजन हो रहा है, हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बन रहा है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकास बाधित होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है, परिणाम है रोजगार का सृजन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे
एयरपोर्ट बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज सिरसा में प्रदेश कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य किया तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और उसके तहत उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। कृष्णा और चंद्र, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये वे जनपद है जो बहुत दूर है, राजधानी लखनऊ से दूर होने के बावजूद चुपचाप विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं बिश्नौर जनपद में ही रहूंगा और बिश्नौर जनपद में रुक करके यहाँ के समग्र विकास की रूपरेखा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के प्रशासन के साथ, यहाँ के विभिन्न संगठनों के साथ बैठ करके उस रूपरेखा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चाहे यहाँ के चीनियों के पुनर्द्वार का कार्य हो, चाहे वो बिश्नौर में टैक्सी के नई बटालियन की स्थापना का कार्य हो, चाहे वहां पर शिक्षा हो, उद्योग हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत पहले से ही के अंतर्गत उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत।
बलरामपुर के हरैया थाना क्षेत्र के पचपकड़ी गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने बिजली के खंभे में रस्सी से हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे से जमकर पीट दिया। रात में गश्त के दौरान पहुंची पुलिस ने पीड़ित को थाने ले गई। पचपकड़ी गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक 35 वर्षीय युवक शनिवार की रात में घूमता दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर बिजली के खंभे में रस्सी से बांधकर लाठी डंडे से पिटाई करना शुरू कर दिया। पीड़ित को पीटने की सूचना मिलने पर पुलिस विक्षिप्त को थाने पर लेकर चली आई। प्रभारी थाना अध्यक्ष रमाकांत तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों से छुड़ा कर लाए हैं। यह व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है, अपना नाम पता नहीं बता रहा है, कभी उन्नाव जनपद तो कभी कानपुर का निवासी बता रहा है। पीड़ित का इलाज हरैया के सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में हत्याओं का सिलसिला जारी है। थाना नीमगांव के ग्राम तेंदुबाई में शराब के नशे में धुत सगे भाई ने अपने छोटे भाई 40 साल के धर्मदत्त के पेट को छुरी से चीर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। धर्मदत्त को गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धर्मदत्त के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है। घटना के संबंध में बताते हैं कि धर्मदत्त पत्नी की मौत के बाद से अधिकांश समय हरियाणा में रहकर मजदूरी करता था। रक्षाबंधन के पर्व पर धर्मदत्त घर आया था और हरियाणा में कमाई गई पूरी कमाई भाभी सत्यवती को दी थी। धर्मदत्त जब खाना खाकर के बाहर बैठा था, तभी सत्यवती का पति राम स्नेही शराब के नशे में धुत आया और धर्मदत्त के पेट में छुरी भोंक कर आते फाड़ दी और भाग गया। भाई कालका ने थाना नीमगांव में तहरीर दी है। पुलिस ने धर्मदत्त के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है। आपके कौन है जो मरे हैं, इनको क्या हो गया? तेज गोली से। उनका भाई मारा। राम से नहीं? हाँ, राम। क्यों मारा? दारू पी के। दारू पी के। हाँ। कब मारा? 14 तारीख। तो फिर कहाँ भर्ती कहाँ कराया? लखीमपुर। फिर लखीमपुर से कहाँ ले गए? लखनऊ ले गए। आपसे संबंधों पीछे नहीं, उससे मारा तो इसीलिए कि उसको शक था कि तुम्हारे संबंध नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर पी लें तो कुछ नहीं, अब ना पिए तो भैया करके रखे हैं, आराम से ब्रेन से सबसे रखे हैं। अगर दारू पी लें तो भैया हों, चाहे बीबी हों, चाहे बच्चा हों। हाँ। अच्छा, मारा क्यों? दारू पी के मारी, और कोई गलती ना। ये बाहर बैठे हुए थे घर? हाँ, के बाहर बैठे थे रोड पर। हाँ हाँ, घर के बाहर रोड पर। खाना वाना खा चुके थे? खाना खा चुके। बहू है हमारी, दमाद है, नाती है। अच्छा। हाँ भैया जा थोड़ी ना, इनके सबकी शादी हम है सब जने करन बनाए। अच्छा। हाँ तो वो पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। आपका अभी नहीं पकड़ा गया। राम से नहीं जो मारा है वो आपका कौन है? हमारे पति। आपके पति? हाँ। कहाँ पर भागा? कहाँ भागे हैं पता नहीं कहाँ। कल तो आज सुबह फोन करी नहीं, जानी खत्म हो गया है। हाँ। तो फोन करी कहे लगे हम हाजिर हुई जी वो सखल ले वो हम पिए रहन तो मारे हैं, हम जान नहीं पाया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर।
बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। भले ही प्रदेश की योगी सरकार मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कासगंज जनपद के गंज डुडबारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सहबाजपुर में पीएचसी सेंटर पर मरीजों के ग्लूकोज बोतल चढ़ाने के 150 रुपए लिए जा रहे हैं। पीएचसी में भर्ती मरीज जितेंद्र कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी अजीत नगर ने बताया कि मुझे बुखार की शिकायत हुई, मैं सरकारी अस्पताल आया जहां तैनात फार्मासिस्ट एके सिंह ने मुझसे 150 रुपए लेकर मेरे बोतल चढ़ाई। वहीं मरीज कंचन देवी पत्नी उमेश निवासी सहबाजपुर भी बुखार से पीड़ित थी, उससे भी फार्मासिस्ट एके सिंह ने 150 रुपए लेकर बोतल चढ़ाई। तीसरी मरीज गंगा श्री दवाई लेने के लिए आई तो फार्मासिस्ट एके सिंह ने उससे भी पर्चा बनवाई के 20 रुपए लिए। कितने रुपए लगे? 150 रुपए लगे। 150 रुपए तुम्हारा? यतेंद्र। कौन सा गांव है? अजीत नगर। कितने रुपए लगे बोतल चढ़वाई के? 150 रुपए लगे। क्या नाम है तुम्हारा? कंचन देवी। कौन सा गांव है? जय सहबाजपुर। मेरा नाम गंगा श्री। कितने रुपए मांगे आप सब अस्पताल में? मांगे ना, मैंने कई पैसे ले हुए थे। हाँ, कितने बताए? 20 रुपए लाए डॉक्टर ने। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियां, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।